Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In today's lecture, we will discuss chapter number 4, that is application and uses of computer. और इसको हम up to e-commerce discuss करेंगे. इस lecture के अंदर जो topics हम cover करेंगे, उनमें हमारे पास है use of computer in business. और business की further fields हैं marketing, stock exchange, banks, departmental stores और office automation. उनमें computers की क्या application है, वो हम देखेंगे. उसके बाद use of computer in e-commerce. E-commerce के अंदर ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, इसमें कंप्यूटर का क्या यूज़ है हम उसको देखेंगे. यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस. बिजनेसमैन जो हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और वो कस्टमर दुनिया के अंदर किसी भी प्लेस के ऊपर हो सकते हैं. मार्केटिंग, आपका कंप्यूटर जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के अंदर यूज़ हो सकता है. उसके अलावा मार्केटिंग एप्लीकेशन जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, जिनको आप अपने कस्टमर्स तक डिलीवर करते हैं. सिमिलरली आपके प्रोडक्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसकी एडवर्टीजमेंट किस तरीके से होनी है, और उसकी जो सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे के सारे काम मैनेज करने के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो सकता है. उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है. स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आजकल जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही हैं. इट मीन्स कि उसके अंदर जितना भी पेपर फ्लो पहले होता था, वो पेपर फ्लो अब ऐसा ऐसा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है. स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं, घर पे बैठ के ही डिफरेंट कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनके बाइंग और सेलिंग रेट्स को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद ऑनलाइन ही अपनी बिड्स को प्लेस कर देते हैं. बैंक्स, बैंक्स जो हैं वो हमें एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और एटीएम के थ्रू हम कैश को विड्रॉ भी करवा सकते हैं, और कुछ गिनी चुनी बैंक्स की एटीएम मशीन्स हैं जो हमें कैश को डिपॉजिट करवाने की फैसिलिटी भी देती हैं. अब उन एटीएम्स को कंट्रोल करने के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ होता है. सिमिलरली बैंक्स के अंदर आपने ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसके अंदर भी आपका कंप्यूटर जो है वो वाइडली यूज़ होता है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जितने भी प्राइस टैग्स हैं, उन प्राइस टैग्स को रीड करने के लिए बारकोड रीडर यूज़ होता है. बारकोड रीडर क्या करता है, प्राइस टैग को रीड करता है, रीड करने के बाद आपके कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देगा, और इसके अकॉर्डिंगली जो भी बिलिंग प्रोसेस है उसकी स्पीड थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है. सिमिलरली आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स हम लगाते हैं, और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स जो हैं वो कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल होते हैं. ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने ऑफिस के जो मैनुअल फंक्शंस हैं उनको हम कंप्यूटर की मदद से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कैरी आउट करते हैं. और वो कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास डिसीजन मेकिंग है, डाटा मैनिपुलेशन है, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है, कम्युनिकेशन है, और इंफॉर्मेशन स्टोरेज है. व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स आर यूज्ड इन एन ऑफिस. उसमें सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें है वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप लेटर्स, प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स और ब्रोशर्स को प्रोड्यूस करते हैं. फिर हमारे पास आती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग. अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को फोटोज़ और डिफरेंट ग्राफिक्स के मदद से अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसको बनाने का प्रोसेस जो है वो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है. स्प्रेडशीट्स जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. उसके अलावा डिफरेंट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, और आपके किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स या लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. रेप्रोग्राफिक्स, आपने अगर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करनी है, तो वो प्रोसेस जो है वो आपका रेप्रोग्राफिक्स कहलाता है. इमेज प्रोसेसिंग क्या है, अगर आप अपने इमेज को स्कैन करते हैं या स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो प्रोसेस आपका इमेज प्रोसेसिंग कहलाता है. मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने मैसेजेस को या फिर डॉक्यूमेंट्स को सेंड या रिसीव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे अपने कस्टमर्स के पास, और उसके अंदर हम ईमेल को या फिर फैक्स को यूज़ करते हैं. ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, अगर आपके वर्क ग्रुप के अंदर कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, तो उन एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टीम व्यूअर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है. ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, या फिर उनकी मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं. रोल ऑफ कंप्यूटर इन ई कॉमर्स, उसमें सबसे पहले हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका वो प्रोसेस है जिसमें वीडियो कैमराज और माइक्रोफोन्स की मदद से हम कॉन्फ्रेंसिंग को परफॉर्म करते हैं.
ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग की एक एडवांस फॉर्म है और इसके अंदर हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि आप एक नॉर्मल मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। ये आपके जितने भी बिजनेस के प्रोसेसेस हैं या उनके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको स्पीड अप करने के अंदर इस्तेमाल होता है और इसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि इससे आपकी काफ़ी कॉस्ट की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। ईमेल आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट मैसेजेस को डिफरेंट कस्टमर्स के पास सेंड या रिसीव कर सकते हैं और वो मैसेजेस जो हैं वो आपके इनवॉइसेस के फॉर्मेट के अंदर हो सकते हैं या फिर स्टेटस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं या फिर आपके पास अगर आपने कोई न्यू ऑफर जो है वो लगाई है वो आपकी कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए ईमेल जो है वो यूज़ हो सकती है। उसके अलावा इसकी एक एडवांस फॉर्म है वॉइस मेल आपका वो सिस्टम है जो आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है, उसको स्टोर करता है और फिर उसको आपके डिफरेंट पर्टिकुलर जो भी पर्सन होता है उस तक ट्रांसमिट कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को साइबर बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग भी हम बोल सकते हैं और ये हमें इनेबल करती है कि हम रिमोट बैंकिंग को परफॉर्म कर सकें। ये हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिनमें हमारे पास ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र है, आपने चेक्स की कोई कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग परफॉर्म करवानी है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करनी है तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो आप इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग परफॉर्म करने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह या कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह बैठ के किसी भी टाइम ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। इसमें मोस्टली जो आपकी पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में सबसे पहले हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जनरल पब्लिक को हम अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की सेल करते हैं और इसमें हमारा जो कस्टमर या कंज्यूमर है वो हमारी वेबसाइट को विज़िट करता है और विज़िट करने के बाद ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की परचेज़ कर सकता। उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स आती है और ये ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू दो डिफरेंट कंज्यूमर्स के दरमियान टेक्स प्लेस होती है। इसके एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास OLX.com के थ्रू अगर हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो वो आपकी कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स की एक एग्जांपल है। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स जो है ये दो डिफरेंट बिजनेसेस के दरमियान टेक प्लेस होती है। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी दूसरे बिजनेस को। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी की एडवर्टीजमेंट परफॉर्म कर रही है तो ये बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू है। फॉलोइंग एनेबल्स अस टू मेक डॉक्यूमेंट्स अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ फोटोज, आर्टवर्क एंड ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस एट्सेट्रा। ऑप्शन ए में हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी में है हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी में हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज आर। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाती है विद द हेल्प ऑफ फोटोज, आर्टवर्क एंड ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, क्योंकि डेस्कटॉप पब्लिशिंग ही वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोज, आर्टवर्क्स और ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस को यूज़ करते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो अट्रैक्टिव बन जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स और मेमोज जो हैं उनको बनाते हैं, जबकि इमेज प्रोसेसिंग आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने इमेजेस को स्कैन करते हैं और उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ऑप्शन ए में है हमारे पास MICR, ऑप्शन बी में है बारकोड रीडर, ऑप्शन सी में प्रिंटर है, ऑप्शन डी के अंदर बोथ बी एंड सी है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वो कौन सा डिवाइस है, ये डिवाइसेस हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास बोथ बी एंड सी है, क्योंकि उसमें बारकोड रीडर जो है वो बारकोड को रीड करने के लिए यूज़ होता है और प्रिंटर जो है वो आपकी इनवॉइसेस को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। MICR आपका वो डिवाइस है जो बैंक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स जो होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, MICR स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए में है मैजिक इन करेक्टर रीडू, ऑप्शन बी में मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉर्डर, ऑप्शन सी के अंदर है मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर, ऑप्शन डी के अंदर है मैजिकल इन करेक्टर रीडर। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारे पास मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू, ऑप्शन ए में है राइट टेक्स्ट, ऑप्शन बी के अंदर है एडिट टेक्स्ट, ऑप्शन सी के अंदर है प्रिंट टेक्स्ट, ऑप्शन डी के अंदर है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू, कि एक वर्ड प्रोसेसर जो है वो किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो इसमें आंसर जो है वो हमारा ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं, उनको एडिट करते हैं या फिर उनको प्रिंट करते हैं, और वो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं वो वर्ड प्रोसेसर्स कहलाते हैं। तो हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू राइट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को राइट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।